نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكنا في الدين آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتاب हज और उम्रे से रोके जाना बाब नंबर एक बाब जब उम्रा करने वालों को रोक दिया जाए। पिछली दफा भी हमने एक मुख्तसर इस हवाले से बात की थी और ये तो बुरे का बुरा बाब ही उस हवाले से कि अगर एक शख्स एहराम की हालत में है, उसने नियत कर ली है और वो किसी स्टेप किसी जगह पर रोक दिया जाए तो वो मामला क्या करेगा। ये रोक दिए जाने के अहकाम हज उम्रे हरम की हदूद में दाखिल होने से पहले हरम की हदूद में दाखिल होने से बाद सारे दर्जों के लिए हुक्म जो है वो कुरान में भी मौजूद है, हदीस से भी बयान किया गया और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ा किया गया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरा बकरा में वाज़े तौर पर वो रकुआत तकरीबन दो रकुआत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने तकरीबन एक ही ज्यादा अगर आप देखें उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज के अहकाम अभी उसके बाद सूरह हज में भी दिए हैं लेकिन सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने बड़ी वजाहत से हज के अहकाम और मनासी के हज जो है उन पर वजाहत से बात की है और वहां पर अल्लाह ने फरमाया वअतिमुल हज वल उमरा लिल्लाह फइन उस्सिरतुम कि अगर तुम्हें तुम्हारा हिसार कर दिया जाए तुम रोक लिए जाओ फमस्तईसन मिनल हदी वला तहलकु रुसकुम हत्ता यबलुग अल हदी महिल्लहु तो क्या करो कि तुम अपने सर ना मुंडवाओ। अगर तुम रोक लिए जाओ और तुम हज और उमरा वैसे तो अल्लाह के लिए पूरा करो लेकिन अगर इत्माम का मामला ना हो सके और तुम पूरी ख्वाहिश और कोशिश और एफर्ट के बावजूद पूरा ना किया कर सको तुम रोक दिए जाओ, तुम्हारा वैसे कोई जालिम है, कोई रुकावट है, कोई फ्लाइट की प्रॉब्लम है, कोई और क्लाइमेटिक क्राइसिस है और यहाँ खुदा ना खास्ता खुद ही कोई क्रॉस बीमारी आ गई है, कोई माजूरी मोहताजी आ गई, सब कुछ है ना देखिए इंसान के साथ। तो अगर कोई ऐसा मामला हो गया और तुम रोक लिए गए हो किसी किस्म की रुकावट आ गई है तो फिर क्या करो तुम क्या करो एक फमस्ताई सलाम मिनल हदी जो भी तुम्हें कुर्बानी मुयस्सर है वो तुम कुर्बानी कर दो और कुर्बानी के लिए क्या है वरना ताला करो उस सको अपने सरों को उस वक्त तक ना उड़वाना जब तक कुर्बानी अपने हलाल होने की जगह और हलाल होने की जगह एक एहराम वाले शख्स की कुर्बानी के हलाल होने की जगह क्या थी हदूद हरम। तो हदूद हरम में जब तक कुर्बानी ना पहुंच जाए तब तक तुम अपना एहराम ना करो। और इस पर बात मैंने पिछली दफा भी की थी कि एक शख्स जब किसी वजह की बुनियाद पर रोक लिया जाता है या रुक जाता है तो वो अपना एहराम उस पाबंदी के बाद खुद से खुद खोल नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली ये रिज्यूम नहीं कर लेगा मैं आगे नहीं हज कर सकता या मैं उमरा नहीं कर सकता और मैं एहराम खोल दूं, ऐसे नहीं होगा। एक लगा बंदा चार्टर और तरीका है, तुम चार्टर और तरीके से एहराम में दाखिल हुए थे और अब एक पाबंदी से निकलोगे। आप देखें कि हज एक इबादत की हालत है ना, तो आप सारी इबादत का तरीका देख लीजिए। देखें हम नमाज में दाखिल होते हैं तकबीर कह के और निकलते कैसे हैं, बीच में नमाज पढ़ते पढ़ते भी अगर वजू टूट जाता है तो निकलने का एक तरीका है ना, आप आराम से मुंह उठाकर सलाम फेर के निकला। नमाज से आजाद होने के लिए और नमाज से निकलने का एक बाकायदा तरीका है, सलाम फेरा जाता है तो नमाज से निकलते हैं। रोजे के लिए सेहरी खाई जाती है, रोजा रखा जाता है और फिर उसके बाद आप किसी और तरीके से नहीं, मतलब मजबूरी होगी तो और बात है फिर तो कुछ ना कुछ खा लिया जाता है लेकिन उससे आजाद होने के लिए इफ्तार की जाती है, इफ्तार की दुआ पढ़ी जाती है। तो इसी तरह अगर कोई शख्स एहराम पहनकर हाँ उम्रे या हज के लिए उस हज की इबादत की हालत में दाखिल हो रहा है या उम्रे की इबादत की हालत में दाखिल हो रहा है तो वो रैंडमली फिर अपनी मर्जी से मुंह उठा के अपने एहराम को उतार के से आजाद नहीं होगा,
उसका एक लगा बंदा चार्टर होगा, उसको क्या करना होगा, अगर रोक दिया गया या मजबूर है और कैरी ऑन नहीं कर सकता तो फिर वो एहराम खोलने से पहले इंश्योर करेगा कि उसकी कुर्बानी, जो उसको कुर्बानी इकोनॉमिकली मुयसर है, कोई ऊंट की है, कोई मेढे की है, कोई गाय की है, या गाय में हिस्सा है, या बड़े जानवर में हिस्सा है, जो भी उसने माली तौर पर उसकी पूजत उसकी जेब के मुताबिक थी, वो क्या करेगा, वो कुर्बानी हरम की हदूद के अंदर करवाएगा, और जब उसको पता चलेगा कि ये कुर्बानी हो गई है तो फिर अपना सर जो है हलक और कसर करेगा, फिर अपना एहराम खुलेगा और गुस्ल करके पाक साफ हो जाएगा, और यूं वो एहराम की पाबंदियों से आजाद होगा। और जिस शख्स ने ये काम नहीं किया, ये सारे का सारा प्रोटोकॉल जिसने नहीं अपनाया, तो क्या होगा, वो शख्स एहराम उतर जाने के बावजूद वो सारी की सारी चीजें जो एहराम की हालत में उसके लिए हराम थी वो अब भी उतनी ही हराम रहेंगी। एहराम उसका उतर जाएगा, उसने अपनी मर्जी से उतार दिया, लेकिन क्या है, एहराम एक आम लिबास की तरह नहीं है, जब मेरा दिल करे मैं उतारू और जब मेरा दिल करे मैं पहनू, इसको पहनने का एक कोड और एथिक्स है, उसको उतारने का एक कोड और एथिक्स है, तो लिहाजा उसकी पाबंदियों के मुताबिक उसको उतारा जाएगा। और अगर किसी ने अभी तक, आप किसी को जानते भी है, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता किसी से ये मामला हो चुका है तो उनको अब भी ये तरीका समझा देना लाजिम है, क्योंकि वो सारी चीजें जो एक आम शख्स के लिए जायज है, उस शख्स के लिए जिसने इस तरीके के बगैर अपना एहराम उतारा है, उसके लिए वो हराम है, यहां तक कि मियां बीवी का ताल्लुक भी उसके लिए हलाल और जायज नहीं होगा जब तक कोई सारे के सारे प्रोटोकॉल से गो थ्रू नहीं करेगा। बहरहाल उस हवाले से आज हदीस पढ़ लीजिए, बाब नंबर 1, जब उमरा करने वाले को रोक दिया जाए। हदीस नंबर 879, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीबिया पर रोक दिया गया था, तो आपने अपना सर मुंडवाया, अपनी बीवियों से सोबत की और कुर्बानी के जानवरों को जिबा किया, फिर आइंदा साल नया उमरा किया। यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहे ये कौन सा वाक्य है जी, मगरी दौर की हदीस है, और मगरी दौर में कब, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन गजबात के बाद, गजबा खंदक और उहद और बदर के बाद आपने ये फरमा दिया था ना कि अब वो तुम पर हमला नहीं करेंगे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के जरिए अपने उमरे का वो सफर दिखाया गया था, और ये वही क्या थी, ये हुक्म खुदाबंदी थी कि आप उमरा करें। सहाबाए किराम को आप साथियों को साथ लेकर गए थे, और सहाबाए किराम की कैफियत क्या थी कि सब ने अपने अपने एहराम जो है वो मीकात के ऊपर से सब ने अपने एहराम पहने हुए थे, और ये लोग तरबिया पुकारते हुए मीकात कि हदूद से जब निकले, इनके पास कोई हथियार नहीं थे, कोई जंग की नियत और इरादा नहीं था, बिल्कुल पुरअमल ये छोटा सा काफला गया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ कुर्बानी के जानवर भी लिए थे। ये उमरा था, उमरे में कुर्बानी करना लाजिम नहीं है, ये एक नफल था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इबादत के तौर पर, जायद इबादत के तौर पर अपने साथ ये हदी के जानवर ले गए थे। और फिर आपको पता है कि मुशरिकीन मक्का, इनकी तो वो एक इज्जत का मामला बन गया था, और इन्होंने कहा कि अगर हम करने देंगे तो हमारी बेइज्जती होगी और हमारी जिल्लत होगी, कि जो भी कुछ 5 साल पहले यहाँ से लोग गए थे वो पूरी शान और शौकत और ऐसे रोब दबदबे के साथ आके तो हमारी जमीन पे उमरा करें और हम उनको करने दें तो इसमें तो हमारी बेइज्जती है, और अगर वो रोकते थे तो भी उनकी बदनामी थी, कि जाहिर है कुरैश मक्का है और हरम के मतवली है और वो हाजियों को एहराम की हालत में उनको उमरे से रोकेंगे, तो ना उनकी छोड़े बात बनती थी ना बनाए बात बनती थी। बहरहाल उन्होंने अंग्रेजी शुरू की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह इरिटेट इंस्टिगेट करने की कोशिश की कि कहीं इनकी तरफ से जंग का आगाज हो और फिर वो रिएक्ट करें, लेकिन आप बिल्कुल ही पूरा मन रहे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजना, और फिर उनका वहां पे कुछ देर रुक जाना, और फिर बैत रिदवान का मामला, और फिर वो सुलह हदीबिया का मामला, जिसमें क्या डिसाइड हो गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वो सारे साथी जो एहराम की हालत में, वो इस साल तो वापस पलट जाएंगे और अगले साल फिर वापस आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पहली बात जो समझ में आ रही है कि अगर कोई शख्स एहराम पहन लेता है हज का या उम्रे का या दोनों का, और वो करने से रुका रहता है, महरूम रह जाता है किसी भी वजह से, तो उस पर उस हज या उस उम्रे की कजा वाजिब होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल जब रोक दिए गए थे तो इसके बाद अगले साल आपने उम्रतुल कजा करके अपनी सुन्नत जो है इसको नबी उम्मत के लिए कायम किया था, और सिर्फ आपने नहीं किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने सहाबा इकराम पिछले साल आपके सफर पे थे वो भी आपके साथ थे, और जब आपने उम्रतुल कजा का सफर किया था तो फिर मजीद नफरी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और भी सहाबा इकराम नहीं भी शामिल हो गए थे।
बहरहाल अब जब आपको रोक लिया गया था तो आपको पता ना कि हजरत उमर और दूसरे सहाबा इकराम बहुत ज्यादा रंजीदा थे। हजरत उमर हजरत अबू बकर के पास भी आए थे, रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के पास आए थे, और हजरत उमर अपना वाक्य बयान करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत नादिम हूँ कि मेरी जिंदगी में वो एक वाक्य ऐसा हुआ कि मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कुछ दिल में एक तरद्दुद महसूस किया। कि हजरत उमर कहते हैं मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गया और मैंने कहा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है, और क्या हम उनके सच्चे साथी नहीं है, और क्या हम अल्लाह के दीने पर हक पर नहीं है, तो फिर हमें क्यों रोक दिया गया और हमें क्यों इस जिल्लत का सामना करना पड़ा। क्योंकि बात तो काम तो बहुत ही रैशनल सा था ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम पहन के आए और उनको उमरे से रोक दिया। ये तो प्रेसिडेंस ही नहीं थी, मक्का की बस्ती के अंदर ये नमूना ही नहीं था कि आम हाजी को रोका जाए और यहाँ पे महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जा रहा है। तो सहाबा इकराम के दिल बड़े रंजीदा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन्हीं आयात के अहकाम के मिस्दाक पर चूंकि रोके गए थे तो आपने ऐलान किया था कि अब सब क्या करो कि जिस चीज के साथ कुर्बानी के जानवर हैं वो अपने कुर्बानी के जानवर जो है उनको ज़िबा कर दिया जाए और फिर अपना हलक और कसर करो। तो जब आपने ये हुक्म दिया तो सहाबा इकराम इतने स्ट्रेस में और इतने अपसेट और इतनी डिप्रेशन में थे। देखिए डिप्रेशन कैसे कैसे काम करवाती है और कैसो कैसो से करवा जाती है। हम आज बस औकात डिप्रेशन को हम इतना सिवेरिटी से महसूस ही नहीं करते कि ये लोग सिर्फ अपसेट थे और बहुत ही ज्यादा इनको ये चीज नापसंदीदा थी। और इस परेशानी की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुखातिब होकर इनको कहा कि उठो अपनी कुर्बानियां करो और अपने सर मुंडवाओ। और सहाबा इकराम रावी बताते हैं कि कोई भी नहीं उठा था। मतलब ये डिप्रेशन ये परेशानी और घबराहट इंसान से कैसी कैसी नाफरमानियां करवा देती है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान होकर आए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा उनको मुखातिब करके फरमाया कि देखें मैंने इस तरह हुक्म दिया है और मैंने इन लोगों को ये तरीका जो है वो तजवीज किया लेकिन इनमें से कोई एक भी नहीं उठा। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा ने ये तजवीज़ दी थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपकी हदीस यानी आपके कहने से फर्क नहीं पड़ा तो आप अमल कर दीजिए। यानी अगर इन्होंने हदीस का कहीं इनकार कर ही दिया है, हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया तो सुन्नत का इनकार नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ौजा मुहतरमा का मशवरा मांगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने खुद अपने ऊंट को कुर्बान किया, ज़िबह किया, फिर आपने हलक करवाया। और फिर क्या हुआ, वही जो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की तजवीज थी कि वो सारे सहाबा एक एक करके उठते जा रहे थे और अपने जानवरों को ज़िबह कर रहे थे और वो भी इस तरह अपने उस एहराम से आजाद हो गए। तो उसूल क्या पता चला, एक तो उमरतुल कज़ा या हज कज़ा का देना वाजिब है और दूसरी बात ये पता चली कि एहराम से निकलने की पाबंदी का तरीका क्या है। असल में वो बिल्कुल अरबुद हरम से बिल्कुल करीब थे ना, इसलिए नहीं जी वो मुख्तलिफ गलतियों के दम में मुख्तलिफ जो तजवीज किए जाते हैं और उस वक्त वो उलमाए इकराम जो है वो वहीं पे आपको तजवीज करके बता दे। उम्रे का उमरतुल कज़ा और हज का ये हज का कज़ा। बाब नंबर दो, हज से रोके जाना। हदीस नंबर 880। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि वो कहा करते थे कि तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत काफी नहीं है कि तुम्हें से अगर कोई हज से रोक दिया जाए तो उसे चाहिए कि बैतुल्लाह का तवाफ करे, फिर सफा मरवा की सही करे, फिर हर चीज से हलाल हो जाए, आइंदा साल हज करे और कुर्बानी करे, अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो रोजे रख ले। बड़े वाजे तौर पर बताया जा रहा है कि कौन सा हज है, हज तमत्तु का या हज किरान की नीयत इसी ने की है और वो हरम की हदूद से तो नहीं रोका गया लेकिन हज नहीं कर पा रहा, यानी हज में कोई रुकावट आ गई है, अरफात के मैदान जाने में कोई रुकावट आ गई है। हमने कहा यार तो काफी करवाई में बहुत खुशी हो जाता है, या कोई शख्स शदीद बीमार हो गया तो वो नहीं जा पाता। तो ऐसे हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिली सजेस्ट किया कि फिर अपना उमरा कर लो, अगर अगर हदूद हरम में पहुंच गए हो तो फिर अपना उमरा करो और अपने उमरे से अपने एहराम की जो पाबंदियां हैं उनसे निकल आओ। बाब नंबर 3, जब रोका जाए तो सर मुंडवाने से पहले कुर्बानी करे। हदीस नंबर 888। हजरत मसूद बिन मुखरमा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल उमरे से रोक दिए गए थे पहले कुर्बानी की फिर सर मुंडवाया और अपने सहाबा इकराम को भी इसी चीज का हुक्म दिया। वही बात है जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अल्लाह सुब्हान व तआला अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए में ये बता दिया कि अगर कोई शख्स कुर्बानी नहीं कर सकता तो वो फिर क्या करे, उसकी जगह रोजे रखे। और पीछे भी हम देख चुके हैं कि अगर हज के दौरान भी जिन लोगों पर कुर्बानी फर्ज है, हज तमत्तु और हज किरान करने वाला शख्स अगर कुर्बानी नहीं दे सकता तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में बड़ी वाज़ेह तौर पर सूरह बकरा में फरमाया फमन तमत्ता बिल उमरा इलल हज फमस्ता ही सरा मेरा खाते।
تو پھر وہ کیا کرے؟ فَسِيَامُ سَلَسَةَ اَيَّامَ فِي الْحَجِ وَسَبْعَةَ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ جو شخص قربان حج کرتا ہے اور عمرے کو جمع کرتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے قربانی کرے, اور اگر وہ قربانی نہیں پاتا تو پھر اسے کیا کرنا ہے؟ تین روزے حج کے دنوں میں رکھے جائیں گے. میں نے اسے بھی بتایا تھا کہ ایام تشریق کے روزے ہیں, یہ 11, 12, 13 کو رکھے جائیں گے, اور پھر 7 جب وہ اپنے گھر واپس لوٹے گا, اور یہ 10 ہیں پورے کے پورے. ٹھیک ہے جی, تو وہی بات یہاں پہ پھر بتائی جا رہی ہے. باب نمبر 4, جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا حکم دیا ہے اس سے مراد 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. آیت سورہ بقرہ میں ہی آتی ہے, اور صحابی حضرت رکاب بن اجرہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نا میرے حق میں نازل ہوئی تھی. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا, فمن کان منکم مریضا او اذن به من راسه ففدیۃ من صیام او صدقہ او نسک, کہ جس کے سر میں, یا تو وہ ویسے ہی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی بیماری یا تکلیف ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا سر پہلے منڈوا لے, یعنی قربانی سے پہلے سر منڈوا لے, اور کیا کرے, اس کے بدلے یا کوئی صدقہ دے دے, یا وہ روزہ رکھ لے, یا کوئی جانور قربان کر دے. تو حضرت قاب بن اجرہ کہتے ہیں کہ اصل بات بھی ہوئی, واقعہ پہلے یہاں پڑھے. حضرت قاب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب کھڑے ہوئے تھے تو میرے سر سے جوئیں گر رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ جوئیں تمہیں تکلیف دے رہی ہوں گی. میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنا سر منڈوا دو, یعنی ابھی احرام کی حالت میں ہے اور احرام کی ابھی عمرے کا معاملہ نہیں ادا ہوا, تو آپ نے کہا کہ اپنا سر منڈوا دو. حضرت کعب فرماتے کہ یہ آیت کریمہ میرے ہی حق میں نازل ہوئی, فمن کان منکم مریضا. تو لہٰذا وہ شخص جو اپنے حج کے دوران بھی, عمرے میں یا حج کے دوران, اپنے عمرے یا حج کے مناسک کی تکمیل سے پہلے اور سر کا منڈوایا جاتا ہے, سر منڈوایا جاتا ہے قربانی کے بعد, حلق اور قصر قربانی کے بعد ہے, تو جو شخص کسی کو کوئی بیماری, آپ دیکھیں جیسے یہاں پہ تو صحابی کو جوئیں پڑ گئی, لیکن اس کے علاوہ کبھی بس اوقات کی کوئی پرابلم ہو گئی, کوئی ایکزیما ہے, کوئی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے اب سر منڈوانا لازم ہے, تو کوئی شخص گر جاتا ہے, بہت سیویئر ہیڈ انجری ہو جاتی ہے اور اس کا تھوڑے سے بال وغیرہ جو ہیں وہ شیو کرنے پڑتے ہیں, سٹچز لگنے کے لیے, بہت کچھ پاسبل ہے نا, تو لہٰذا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور قرآن کی اس آیت کے حوالے سے دی کہ پھر وہ کیا کرے. اس کے لیے تین آپشنز ہیں, یا تو وہ کوئی صدقہ دے گا, اور اگر صدقہ نہیں دے سکتا تو پھر وہ روزے رکھے گا, اور روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ جانور قربان کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ دین اصل میں پریکٹیکل ہے کہ ہر ایک کے لیے آپشن دے دی, جو جسمانی طور پر فٹ ہے اس کو روزے کی آپشن دے دی, اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو مالی یا قربانی آپشنز جو ہے نا وہ دے دی. تو لہٰذا یہ صدقہ کتنا ہے, ہمیں حدیث پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص اس حالت میں جو قربانی سے پہلے اپنا سر منڈوائے گا اسے تین روزے رکھنے ہیں. صدقتن, سیامن, صدقتن اور نسکن. تو سیامن میں کتنے روزے رکھنے ہیں؟ وہ شخص جو اپنا سر قربانی سے پہلے منڈوا لے گا یا کچھ ڈسٹربنس کر لے گا تو اس کے لیے تین روزے ہیں, اور تین روزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سا اناج 6 مسکینوں کو صدقہ کرو یا جو قربانی میسر ہو اسے ذبح کر دو. تو آپ نے فرمایا کہ 3 سا اناج, تو 3 سا اناج اگر ہم دیکھیں اور ان کو 6 مسکینوں کو دینا تو پھر تقریباً آدھا آدھا سا جو ہے وہ ہر ایک مسکین کو آئے گا. تو گویا اس کا صدقہ کیا ہے, صدقتن کیا ہے, ہر 6 مسکینوں کو ٹوٹل دیا جائے گا اور ہر مسکین کو آدھا آدھا سا جو ہے وہ دے دیا جائے گا. ایک سا جو ہے نا وہ تقریباً 2.5-3 کلو کے برابر ہے, اور یہ کتنا, یہ کیا چیز ہوگی, یہ گندم بھی ہو سکتی ہے, گندم, گیہوں, اناج, کوئی اناج ہو سکتا ہے, اور اسی طرح جو اور کشمش اور منقے اور یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ جو ہے نا یہ بھی ہو سکتے ہیں صدقے کی شکل میں, بالکل جیسے صدقہ فطر ہے نا اسی طرح کا یہ معاملہ ہوگا. اور یہ 6 مسکینوں کو آدھا آدھا سا, میں پھر دوہرا رہی ہوں, ایک سا تقریباً 2.5-3 کلو کے برابر ہے. تو تقریباً آپ دیکھ لیں تقریباً 1.25 کلو جو ہے, 1.25 سے 1.5 کلو, 6 لوگوں کو 1.25 سے 1.5 کلو گندم یا جو یا کوئی اناج یا کشمش یا اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ دی جا سکتی ہے, اور یا پھر ایک جانور قربان ہوگا یا 3 روزے رکھے جائیں گے. جی نہیں, اس میں نہیں, ویسے اس میں اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ ایام الحج میں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. اکثر کی روایت ہے کہ یہ بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ افضل ہوگا کہ ایام حج میں رکھ لیں. باب نمبر 5, فدیے میں ہر مسکین کو نصف سا دیا جائے گا. حدیث نمبر 883, حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت خاص میرے حق میں نازل ہوئی, مگر حکم کے لحاظ سے تم سب لوگوں کے لیے عام ہے.
चलिए जिसके बाद अगला हमारा चैप्टर और बाब शिकार और उसकी मिसल दीगर अफाल की जजा यानी एहराम की हालत में शिकार के हवाले से या किसी जीरू चीज को मारने के हवाले से. आपको पता ना कि एहराम की हालत में क्या क्या चीजें मना है. शिकार वला फसूका वला जिदाला फिल हज. तो फिस्क किसी किस्म के अल्लाह की नाफरमानी, जिदाल यानी लड़ाई झगड़ा, खूनरेजी, कत्ल, राहजनी, डकैती, लूट मार और इंसानों को कत्ल और इंसानों से लड़ाई, क्या किसी जी रू चीज को, किसी लिविंग चीज को मारना एहराम की हालत में जायज नहीं है. इल्ला के लिए कोई चीजें इंशाल्लाह इस पे भी आगे बात होती है. और यहां तक के कोई पत्ता तोड़ना, कोई दरख्त काटना, यहां तक इसकी मुमानियत है. और ये सिर्फ एहराम की हालत में नहीं, ये हदूदे हरम में भी है. कोई भी शख्स जो हदूदे हरम में दाखिल होता है, अगर वो एहराम की हालत में नहीं भी है तो भी वो ये काम नहीं कर सकता. और अगर एहराम की हालत में जितनी देर है, चाहे वो हदूदे हरम से बाहर भी है, क्योंकि आपको पता है कि हज के दिनों में हदूदे हरम से बाहर भी जाते हैं, तो हदूदे हरम में या एहराम की हालत में किसी जीरू चीज को मारना या उसको कत्ल कहला करना जो है वो जायज नहीं है. यहां तक कि मैं फिर बता रही हूँ, किसी दरख्त का पत्ता तक तोड़ना या झाड़ी को काटना तक भी एहराम की हदूद एहराम के अंदर या हदूद हरम में जायज नहीं है. बाकिया आता है जी 884 हदीस. हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि हम हदीबिया के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए और आपके तमाम सहाबा किराम ने एहराम बांध लिया, मगर मैंने एहराम नहीं बांधा. फिर हमें खबर मिली कि मकाम गैका में दुश्मन मौजूद है, लिहाजा हम उसकी तरफ चल दिए. मेरे साथियों ने जंगली गधे को देखा तो वे एक दूसरे को देखकर हंसने लगे. मैंने नजर उठाई तो उसे देखा. यहाँ पे जंगली गधे का नाम है. जंगली गधा क्या होता है जी? ज़ेब्रा. ज़ेब्रा को अरबी जबान में जंगली गधा कहा जाता है. और ये मेरा ख्याल है आप सभी जानते हैं खाने पीने की हुदमत और हिल्लत के हवाले से कि गधे का गोश्त खाना क्या है? हलाल हराम है? मकरूह है. गधे का गोश्त खाना मकरूहात में से है और घोड़े का गोश्त खाना जायज है. घोड़ा हलाल है. वो अपनी कीमत और अपनी वो जो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस दूसरी है उसकी वजह से कोई घोड़े को खाता नहीं है, लेकिन मजबूरी की हालत में घोड़े का गोश्त खाना जो है वो वैसे जायज है. और ये जंगली गधा है, इसको भी खाना हलाल और जायज है. तो यहाँ पे कुछ जगह पे जंगली गधा आता है. और अगर कुछ और हदीस की रिवायत देखे तो वहां पे नील गाय का तस्करा आता है. एक जंगली गधा देखा तो वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगे. अब जो एहराम में है उनको गधा नजर आ रहे हैं और जो एहराम में नहीं है उसको गधा उनको गधा नजर नहीं आ रहा. मैंने नजर उठाई तो उसे देखा और उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया और उसे जख्मी करके गिरा लिया. फिर मैंने अपने साथियों से मदद चाही लेकिन उन्होंने कोई मदद ना की. बिलाखिर हमने उसका गोश्त खाया. हमें अंदेशा हुआ कि मबादा हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा न रह जाए. लिहाजा मैं कभी अपने घोड़े को तेज चलाता और कभी आहिस्ता. आखिर निस शख्स यानी हफार का एक शख्स मुझे मिला जिसे मैंने पूछा कि तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ छोड़ा है? तो आपने उसने कहा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहम यानी चश्मे पर छोड़ा है और आपका मकाम सखिया में कैलूला करने का इरादा था. ये पूछकर मैं फिर चला और आपसे जल्दी जा मिला. मैंने अर्ज किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपके सहाबा इकराम ने भेजा है और वो आपको सलाम रहमत अर्ज करते हैं. उन्हें ये अंदेशा था कि कहीं दुश्मन उन्हें आपसे जुदा न कर दे, लिहाजा आप उनका इंतजार फरमाए. तो आपने ऐसा ही किया. फिर मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक जंगली गधा शिकार किया है जिसका मेरे पास कुछ गोश्त है. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया खाओ, हालांकि वो सब एहराम की हालत में थे. हमें कुरान में सूरह मायदा से वाज़े तौर पर पता चलता है कि एक शख्स जो एहराम की हालत में, चाहे वो उमरे का एहराम है चाहे वो हज का एहराम है, एहराम की हालत में वो शख्स क्या नहीं कर सकता? शिकार नहीं कर सकता. और कौन सा शिकार नहीं कर सकता? सूरह मायदा में वाज़े तौर पर आते हैं खुश्की का शिकार नहीं कर सकता. अगर जमीन पर सफर कर रहा है तो वो खुश्की का शिकार नहीं कर सकता. और कुरान ने वाज़े तौर पर बता दिया कि अगर वो समुद्री सफर कर रहा है बाय सीज अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसमें वो शिकार कर सकते हो. मेरे पास बड़ी आसानी से सबको हिकमत समझ में आ जाएगी कि आप देखें कि जो शख्स जमीन में सफर कर रहा है उसके लिए तो अगर
अगर वो जानवर को शिकार नहीं भी करेगा और उसके पास अपने खाने का रसद और सामान खत्म हो गया तो क्या करे? जमीन पे तो और कौन से इसबाब मुयसर होते हैं, कोई मतलब सब्जियां मिल जाती हैं, कोई फल मिल जाते हैं और बहुत सी चीजें अवेलेबल होती हैं खाने के लिए, तो जान के जाने का खौफ तो नहीं होगा ना। लेकिन अगर एक शख्स समुद्र में सफर कर रहा है और उसका खाना खत्म हो जाता है या खाना उसका खराब हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी हालत में अगर उसको शिकार की इजाजत नहीं दी जाएगी, उसको मछली पकड़ने की इजाजत नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा? महराम की हालत में क्या वो भूखा नहीं? अगर आपको पता है कि समुद्री सफर तो एंडलेसली कितना कितना लंबा होता है और कितनी कितनी देर कोई आइलैंड या कोई बस्ती जो है वो रस्ते में आती नहीं है। तो लिहाजा इस हवाले से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बड़ी हिकमत के साथ क्या किया, समुद्री सफर जो है उसको उसके अंदर शिकार को हलाल कर दिया है आराम की हालत में, लेकिन जो जमीन का सफर है उसमें उसको जायज नहीं किया गया। और ये याद रखिएगा, इस वाक्य से भी ये बात पता चलती है और पूरा आगे भी और वाक्यों से पता चलता है कि जो शख्स एहराम की हालत में है वो अपने लिए भी नहीं कर सकता और वो क्या कर सकता है? अगर उसके लिए किसी और ने उसकी नियत के लिए किया है, मतलब अगर आप एहराम की हालत में हैं तो आप अपने लिए खुद नहीं कर सकते, और अगर मैं आपके लिए कर रही हूं तो भी आप वो नहीं खा सकते। हाँ, मैं अपने लिए कर रही हूं और फिर मैं आपको अपने लिए किया वक्त थोड़ा सा देती हूँ तो फिर आप उसको खा सकते हैं। आप देखिए ये मामला शायद हमें वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि दीन कितनी बारीकी से छोटी छोटी चीजों को बयान करता है ना। मतलब ये एक इतना छोटा सा एक पहलू है, लेकिन शरीयत के अंदर इतने छोटे छोटे पहलुओं की भी पूरी डिटेल और फाइनेस्ट और मिन्यूटेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद है। याद रखिये अल्लाह ने कुरान और हदीस में ना मेरे और आपकी जिंदगी के हर शोबे की रहनुमाई दी, सिर्फ इसके साथ जुड़ना और इसका इल्म हासिल करना जरूरी है, वरना मिल आपको हर ही मसले का हल जाता। अल्लाह इससे जुड़ने और इस ही से सारी जिंदगी के मरणों को अपनी जिंदगी के फैसले करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। तो जी वाक्या कुछ ऐसे हुआ कि सहाबा इकराम आपके साथ सुलह देबिया के सफर में सबने एहराम पहने, में सिर्फ हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला ने एहराम नहीं पहना हुआ था। अब यहाँ पे तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन सहाबा ने बताया कि हमारे पास ना माल खाने की तंगी भी बहुत थी, और जो हमारा हदीबिया का सफर है हमारे पास साथ खाने की रसद भी बहुत कम थी और माली तंगी इतनी ज्यादा थी, और फिर ये आयात भी नाजिल हो चुकी थी सूरह मायदा की तुम एहराम की हालत में शिकार नहीं कर सकते। तो कहते हैं अल्लाह की तरफ से आजमाइश हमारे लिए ऐसी आई कि हम जहाँ पड़ाव करते थे क्या होता था, परिंदों के झुंड जो है ना वो हमारे खेमों के अंदर आते थे और अल्लाह की तरह और वो हमारे मेजों की जद में जानवर आके खड़े हो जाते थे। लेकिन मतलब देखिए ना कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि तुम एहराम की हालत में बस नहीं कर सकते, उधर भूख भी है और उधर वो टेम्पटेशन सामने भी है, मतलब बर्ड मीट भी मिल रहा है, फिर उसके बाद ये वाइल्ड एनिमल्स भी आके कहते हैं कि हमारे शिकार हमारे मेजों की रद में होते जद में होते थे और हम क्या करते थे, ये ना अल्लाह की हदूद दिल का हदूदुल्लाह। और ये सहाबा इकराम में ये रवैया नजर आ रहा है कि बस अल्लाह ने कह दिया ना, मैं भूखी हूं, मैं प्यासी हूं, मैं जैसी हूं, मुझे कितनी बड़ी टेम्पटेशन है। आज हमने मुहासबा करें ना, हम छोटी सी टेम्पटेशन पे आके कैसे बिदक जाते हैं। शादी है, खुशी है, मम्मी है, लिबास की हदूद है, कितनी छोटी छोटी हदूद पे आके शैतान हम पे गलबादारी करके हमें अपना बंदा बना लेता है। ऐसा ही है कि नहीं है? तो बस आप देख लीजिए किसी चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज का तस्वुर नहीं है। अब फिर कहते हैं ये आजमाइश ऐसे आई कि हम अपने खेमे में बैठे हुए थे और सारे सहाबा इकराम बैठे हुए हैं और सारे साथियों ने वो नील गाय को देख लिया या ये जो जंगली गधा है इसको सारे देख लिए आराम वाले, लेकिन इन्होंने क्या नहीं किया, और सिर्फ हज़रत अबू क़तादा नहीं देख रहे, हो सकते हैं उनके दरवाजे की तरफ पुश्त होगी उन्होंने नहीं देखा या बहुत चीजें कोई एक नहीं देखते, बाकी सबने देख लिया जो आराम की हालत में और एक ने नहीं देखा जो बगैर आराम की हालत में और जो क्या कर सकता है, जो शिकार कर सकता है। इन्होंने क्या तक नहीं किया, मतलब आप ये तो कर सकते थे ना कि बता ही देते, और अगर बता ना देते तो आपके इशारे से बता देते, कोई हाथ के इशारे से झंझोड़ के यही कह देता, इतना कह देता, कोई कहता तो उसे जरा दाएं देख या बाएं देख, मतलब अगर मुंह बोल के ये नहीं कहना था कि जाओ जाके भाई तू पकड़ के हमें भी खिला और खुद भी खा, ये तो चलो कहना ही दो चार था, इशारा कोई खांसी कोई कलाम कोई आंख का इशारा कुछ भी नहीं है। मतलब आप जब्त नफ्स देखेगा, अब सेल्फ कंट्रोल देखेंगे कितना ज्यादा जबरदस्त है, वो जो कुरान कहता है ना बोला ताबन इसमी वलुदवान, वो जो ज्यादती के काम है, ज्यादती क्या होती है, अल्लाह की बताई हुई हदूद जो है ना उससे तजावुज में भी एक दूसरे की मदद ना करना। सब सहाबा इकराम हालांकि पेटों में भूखे और खाने का रसद खत्म हो चुका है, सामने वो जानवर खड़ा हुआ है और एक बगैर एहराम के साथ ही बैठा भी हुआ है,
आप देखें कि हमारे अंदर इतना जब्त नब सेट है, कि हमारे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं, मतलब कुछ नहीं तो आंखों से कुछ कर देते, कोई कपड़े का पल्ला ही उसका खींच के उसको मुतवज्जे कर देते, लेकिन कितना जबरदस्त। और फिर क्या है, अल्लाह आजमा ही रहा था, अल्लाह क्या करता है, भूखा मारता तो कभी नहीं। इन्नल्लाह मा साबरीन, खुद ही अल्लाह ने दिल में डाला, हजरत अबू कतादा को दिखा दिया, पर उस वक्त तो लग रहा था ना भाग जाएगा ये जंगली गधा, और अबू कतादा ने ना देखा तो हम भूखे रह जाए, शैतान ने उनको भी वसवसे डाले होंगे। हमें लगता है कि हमें ही सारे वसवसे डालते हैं, उनको भी भूख के, उनको भी अफलास के वसवसे डाले होंगे, उनको भी शैतान ने कहा होगा अभी पैदल चलना है, इतनी गर्मी है, इतना भूख है, और तुम मेहराब की हालत में, तुम तो इबादत की हालत में, तो बस इशारा कर दो, शैतान ने उनको भी सब कुछ ही कहा होगा। लेकिन ये वो इतना स्ट्रांग ईमान है कि बस अल्लाह की जो हदूद है ना, उस हदूद से तजावुज में मैंने किसी की मदद भी नहीं करनी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वाकई ऐसे पुख्ता ईमान दे दे। और याद रखिए ये पुख्ता ईमान इन वाक्यात को पढ़ने से ही समझ आता है, वरना नहीं मिला करता। आप देखिए बस औकात आपके पास भी होगा। मुझे याद है कि मेरे पास अभी भी कई दफा खवातीन आती हैं, अब वो अबॉर्शन के चक्कर में मशाफरत करने के लिए, पाजी एक गोली लिख दें, आपको तो गोली का पता है, आप गोली लिख दें। पहले मुझे याद है कहती थी कि आप ना LEC-1 के लिए कहती है सफाई करो, तो मैंने साफ जवाब देने के लिए नहीं, काम नहीं करूंगी आराम में। अब इस तरह नहीं कि ये नहीं करना, फिर उनको समझाना भी, उनको लॉजिकली कन्विंस करना कि ये कैसा कतल है और इससे तुम्हें क्या नुकसान है, दुनिया आखिरत कैसे बिगड़ेगी, बस आप सिर्फ गोली का नाम लिख देना, आपको क्या फर्क पड़े। मैंने अच्छा आप मुझे बताते कहाँ से होगी, आपको जगह तो पता होगी कहाँ से होती है, मुझे कोई अच्छी नहीं लग, मतलब अगर आप मुझे बताएंगे कि मैंने जगह बता दी तो क्या है। वही बात है ना कि नेकी का काम करने वाला या नेकी की राह दिखाने वाला, और गुनाह का काम करने वाला और गुनाह की राह दिखाने वाला बराबर है। पिछले दिनों में मैंने टीवी प्रोग्राम देखा था, शायद आप लोगों से मैंने शेयर भी किया होगा कि वो टीवी प्रोग्राम का मकसद ही ये था कि वो दो तीन NGO की खवातीन बैठी हुई थी, और वो कह रही थी कि जी अबॉर्शन को लीगलाइज कर दीजिए, और लीगलाइज करने का मकसद दैट वाज वेरी ग्रॉस ऑब्वियसली, इसलिए लीगलाइज कर दीजिए क्योंकि इलीगल है ना, तो हमारी औरतें उन्हीं लीगल प्रैक्टिशनर्स के पास जाती हैं और मर जाती हैं, तो अगर हम लीगलाइज कर देंगे तो उन्हीं लीगल प्रैक्टिशनर्स के पास जाके मरेंगी तो नहीं ना, हलाल हो जाएगा तो लोग मरेंगे नहीं। और वो इतने लंबे लंबे स्टेटिस्टिक्स कोट करके कह रही थी कि हमारी मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट और हमारा फीमेल मोर्टेलिटी रेट सिर्फ इसलिए इतना ज्यादा है, वो 5 बच्चे छोड़ के मर जाती है इसलिए, तो वो और वाकई आप बताएं कि रैशनली वो बात बिल्कुल लग रही थी उस वक्त। अगर किसी का ईमान उस वक्त इतना मजबूत ना हो तो लगता कि हाँ वैसे बात है। वो इतना वो टेंटिंग तरीके से कोट कर रही थी कि देखो उसके 5 बच्चे होते हैं और उन्होंने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट किए कि इतना हमारा मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट है और इतने इनमें से सेप्टिक अबॉर्शन से मरते हैं और इनमें से इतनी जो है वो 5-5 साल के, 3-3 साल के, 6-6, 8-8 बच्चे छोड़ के मर जाती है और वो बच्चे यतीम खानों में तड़पते रहते हैं, ऐसी तस्वीर उन्होंने भयानक से पेश की। तो अगर हम इसको लीगलाइज कर दें तो वो इलीगल और बैकडोर अबॉर्शनिस्ट के पास नहीं जाएंगे, तो हम अपना मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट घटाने में कामयाब हो जाएंगे। बात असल में यही है कि अगर अगर इन चीजों के रास्ते दिखाए गए तो उन अबॉर्शनिस्ट की प्रैक्टिस और बढ़ेगी, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी और ये चीजें और बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह ने जब वाज़े तौर पर कह दिया वला तआबनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के कामों में चाहे तुम्हें कितनी उसमें भलाई और खैर भी नजर आ रही हो तो भी उस काम को ना कर। वैसे उसने उसकी किस्मत में अगर ये था तो उसने वैसे भी जहां जाना था उसके साथ ये हो ही जाना था। अगर आपसे वो ना भी पूछ के जाती, आप जब उसको बता भी देंगे तो बाकी जो लोग ये काम कर रहे हैं वहां पे क्या क्या कुछ हो रहा है आपको पता भी, आपको पता है कि जो सारे ये काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे, वो सारे ही ऊट पटांग कर रहे हैं। और वो मैं फिर बात वही कहूंगी कि जहाँ कुरान जी बड़े बड़े माशाल्लाह ऐसे ऐसे पाए के डॉक्टर्स कर रहे हैं कि अकल धंग रह जाती है कि अल्लाह के बंदो तुम्हारे पास रिज की कमी है कि तुम इस तरह हराम कमा रहे हो, वो तो चलो अब तो खैर उसके लिए हाँ जी हम नहीं, शैतान ने जुइना से अल्लाह ने शैतान ने उनको उनके बुरे अमल खुशनुमा बना के दिखा दिए, शैतान ने उनको ऐसे काम करने वालों को उनके बुरे अमल खुशनुमा बना के दिखा दिए। और मैं बताऊं कि ये इस तरह का काम करने वाले लोग उस क्लास को ये काम कंफर्टेबल बना के थालियों में रख के दे रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जब ये काम होगा, अगर ये बड़े डॉक्टर्स ना कर रहे होते तो वो उस इलिजिटमेट खातून के पास, एक खाते पीते घराने की खातून शायद कभी ना जाती, कभी ना जाती उस खातून के पास, और उस दरिया के पास भी कभी ना जाती जहां छुप के उसने बैक डोर से जाना था। लेकिन आज जब इतने खुलेआम हो रहे हैं और आप एक बड़े अच्छे से 5-स्टार होटल वाले हॉस्पिटल में जाके, एनेस्थीजिया के अंदर जाके, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज के अंदर जाके ये काम करवा सकते हो, बिकॉज ये डॉक्टर्स करवा कर रहे हैं,
तो इसलिए बड़े अच्छे आसूदा घरों के लोग भी जाके आराम से जाते हैं और अस्पतालों में ये काम करा के आ जाते हैं। और उन कंसल्टेंट्स को शैतान ने यही समझा रखा है कि अगर तुम इनका काम नहीं करोगी तो ये कहीं और चली जाएंगी और करवा लेगी और फिर कल को मर जाएंगी। मरने वालियों की जान बचा दो, वो मरने वाले। शैतान ऐसे ही शुगर कोटेड काम, वो गुनाह को कभी गुनाह करके दिखाता नहीं होता, वो ऐसे फंदा डालता है कि वाकई अच्छे भले साहिब ईमान। बात वो ये है कि साहिब ईमान भी शैतान के फंदे में सिर्फ तभी नहीं आता जब तक वो कुरान के असूल को पकड़ नहीं लेता। कुरान ने वाज़े असूल दे दिया कि गुनाह और ज्यादती का काम तुम्हें कितना ल्यूक्रेटिव बना के शैतान दिखा दे, तुम्हें उसके कितने फायदे शैतान दिखा दे, जब वो काम गुनाह का है और जब वो काम ज्यादती का है तो बस उसकी मुआवजा करना। बस मेरा ख्याल है हमारे लिए इस असूल के बाद और कोई असूल नहीं रह जाता। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सहाबा इकराम ने जी क्या किया, हजरत अबू कतादा ने, वो उनको वो घोड़ा नजर आया, वो खुद से ही उठे। यहाँ पे वो वाकया हिस्सा मौजूद नहीं है लेकिन एक और हिस्से में आता है कि ये अपनी सवारी पर चढ़ गए और फिर चढ़े और उनका घोड़ा जो है वो लैसो जिसके साथ ये पकड़ते थे, वो रस्सी नुमा चीज, वो नीचे रह गया। फिर सारे सहाबा इकराम में से एक एक को नाम लेके हजरत अबू कतादा कहते हैं, मैंने सबको कहा ये मेरा घोड़ा पकड़ा दो, ये मेरा घोड़ा पकड़ा दो, लेकिन घोड़ा किस लिए था? ये शिकार के लिए था। कोई एक सहाबी भी इंकार क्या था, अगर कोड़ा ना पकड़ाते तो क्या इंकार था? अरे भाग जाएगा ये, वहां पे कोई ग्लू तो नहीं वहां के खड़ा रहेगा, वो तो भाग जाएगा कोड़ा थोड़ी देर के बाद। इंकार था कि अपनी सवारी के लिए उठ भी गया, चलो कोड़ा तो पकड़ा ले, लेकिन नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम, कोई एक सहाबी नहीं उठे थे वो कोड़ा पकड़ाने के लिए। और बस वो खुद ही गए और उन्होंने शिकार किया और वो घोड़े को मार के लेकर आए, उस जंगली गधे को मार के लेकर आए। और फिर ये बता रहे हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उन्होंने किस नियत से किया था, उन्होंने अपनी नियत से किया था। सहाबा ने भी खाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया, जहां तक हदूद थी हदूद से तजावज किसी एक ने किसी एक शक्ल में, ना आंख से, ना हाथ से, ना जबान से, ना दिल से, ना इशारे से, किसी शक्ल से मुआवजत नहीं की। जहां हदूद नहीं थी वहां सबने इससे फायदा उठाया। पहला हदूद की पाबंदी करने और हदूद को सीखने समझने और कुरान के एक एक हुक्म पर आमिल होने की तौफीक अता फरमा दे। इसी वाक्य के सारे वाक्यात आगे भी हैं। बाब नंबर 2, मुहर्रम शिकार मारने में गैर मुहर्रम की मदद ना करे। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्ही से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकाम कहा में मदीना से 3 मील के फासले पर थे, हमें से कोई एहराम बांधे हुए था और कोई बगैर एहराम के था, फिर बाकी आपने हदीस बताई। बाब नंबर 3, महरम शिकार की तरफ उस घर से इशारा न करे कि गैर मुहर्रम उसका शिकार कर ले। हदीस नंबर 886। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक दूसरी रवायत में कि जब तमाम सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया, तुम में से किसी ने इसको जंगली गधे पर हमले का हुक्म दिया था या उसकी तरफ इशारा किया था? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। फिर आपने फरमाया, फिर इसका बकिया गोश्त खा लो, यानी कि तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं था, फिर मजे से खा लो। बाब नंबर 4, जब कोई शख्स मुहर्रम को जिंदा जंगली गधा हदिया दे तो मुहर्रम उसे कबूल ना करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जंगली गधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिये के लिए पेश किया गया, उस वक़्त आप मकामे अब्वा पर या मकामे बदान में थे, तो आदमी उसे वापस कर दिया, लेकिन जब आपने उसके चेहरे पर अफसूदगी देखी तो फरमाया कि हमने सिर्फ इसलिए वापस किया है कि हम मुहर्रम हैं। कुछ रवायात में आता है ये जो तोहफा दिया गया था ये इसलिए था कि ये किया ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत से था। अब ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जो चीज़ अपने लिए जायज़ ना हो उस तोहफे को वापस करने का जवाब मौजूद है। बाब नंबर 5, महरम में हरम में किन जानवरों को मार सकता है, यानी एहराम की हालत में और हरम की हदूद में किन जानवरों को मारा जा सकता है। हदीस नंबर 888, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 जानवर ऐसे मूजी हैं कि उन्हें हरम में भी मार दिया जाए, यानी एहराम की हालत में भी और हरम की हदूद में भी 5 जानवरों का हदीस से तस्करा किया। कब्बा, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता, कोई रेबिट कुत्ता है जो भी है, तो ये 5 जानवरों का हदीस में आता है कि एहराम की हालत में इनको मारा जा सकता है। इसके अलावा सांप का हुक्म क्या है, क्योंकि सांप भी जहरील है और वो भी जान का खतरा है। तो दूसरा वाक्य उसमें आता है हदीस नंबर 889, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मीना के एक बार में थे। ये कब है जी, जाहिर मीना में है तो ये
حج کے دنوں کا معاملہ ہے. ملا کے اظہار میں تھے اس لیے سورہ المرسلات آپ پر نازل ہوئی. تو گویا سورہ مرسلات کا شان نزول بھی پتہ چل رہا ہے. آپ پہ نازل ہوئی جس کی آپ تلاوت فرمانے لگے. آپ کو پتا ہے وہی کے بعد آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے اور میں بھی آپ سے سن کر یاد کرنے لگا. آپ کا روح مبارک تلاوت سے بھی تر و تازہ ہی تھا کہ اچانک ایک سانپ ہم لوگوں پر کودا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار ڈالو. چنانچہ ہم نے اس کو مارنے کی جلدی کی مگر وہ نکل گیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اس کے ضرر سے بچا لیے گئے ہو اسی طرح وہ بھی تمہارے ضرر سے بچا لیا گیا ہے. گویا شیطان یہ سانپ جو ہے وہ بھاگ گیا. لیکن پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں یہ چھواں جانور ہے جس کو مارا جا سکتا ہے. وہ پانچ جو ہے آپ کی حدیث میں موجود ہے اور یہ چھواں جو ہے وہ آپ کی سنت سے ثابت ہے. جی پیچھے آپ دیکھ لیجئے پیچھے پانچ حدیث میں موجود ہیں کبا چیل بچھو چوہا اور کاٹنے والا کتا. حدیث نمبر 890 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے بارے میں پوچھا اور فرمایا گیا کہ یہ موذی جانور ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ پوائزنس بھی ہوتی ہیں نا لیزرڈز, یہ موذی جانور ہے مگر میں نے نہیں سنا کہ آپ نے اس کو مارنے کا حکم دیا. گویا لیزرڈ کو مارنے کا حکم نہیں ہے لیکن ان چھ جانوروں کا حکم موجود ہے. باب نمبر 6 مکہ مکرمہ میں جنگ جائز نہیں ہے. حدیث نمبر 891 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا اب ہجرت باقی نہیں رہے گی, البتہ جہاد قائم ہے اور نیت باقی رہے گی, اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلو, جہاد کے لیے کہا جائے تو تم سب نکل کھڑے ہو. یعنی مکہ میں جنگ کا تصور یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ حدود حرم میں جنگ نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے بھی تشریف لے کے گئے تھے تو آپ اتنا بڑا لشکر لے کے گئے تھے تو آپ بہت ہی پوشیدہ طریقے سے اور خفیہ طریقے سے گئے تھے, اور خفیہ طور پہ جانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اگر مشرکین مکہ کو نا کانوں کان خبر نہ ہو, کیونکہ اگر مشرکین مکہ بھی تیاری کر لیتے ان کو پتا ہوتا تو پھر بہت زیادہ خون خرابہ ہوتا, حرم کی حدود میں بہت زیادہ قتال بھی ہوتا, فساد بھی ہوتا اور بہت سی گردنیں کاٹی جاتی. تو لہٰذا اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے معاملے جو ہیں اس کو پوشیدہ رکھا. حرم کی حدود میں جہاں قتال, رہزنی, ڈکیتی, لوٹ مار اور کسی قسم کی لڑائی اور جنگ, ان جانوروں کے پانچ چھ جانوروں کو مارنے کے علاوہ کسی کو مارنے کی اجازت نہیں. اور میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا یہاں تک کہ کوئی درخت بھی نہیں کاٹا جا سکتا, کسی درخت سے پتا وغیرہ بھی نہیں توڑا جا سکتا, اور اتنی سخت پابندی حدود حرم کی اور احرام کی. تو صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پابندی کے بعد اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص قسم کا گھاس جس کو وہ ازخر گھاس کہتے تھے اور اس کے ساتھ نا وہ دو تین کام کرتے تھے, ایک تو اپنے جانوروں کو چارے کی شکل میں ڈالتے تھے, پھر اپنے بستر کی جگہ پہ بھی یہ ڈالتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ایک قسم کے جڑی بوٹیوں کو اور گھاس کو اور پودوں کو اور درختوں تک کو کاٹنے کی ممانعت کر دی ہے حرم کی حدود کے اندر, تو ہمیں کم از کم ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیں. تو پھر حدیث میں بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صرف یہ گھاس کاٹنے کی مکہ کے اندر اجازت دی, اس کے علاوہ اور کسی چیز کو تلف کرنے کی اجازت مکہ کی حدود میں موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھ کے اپنے صبح شام اور اپنے گھر کے آنگنوں کو اس کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين.